शाम का वक्त और एक जबरदस्त मैच की शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना किया होगा T20 का मैच हो और वह मैच भारत और न्यूजीलैंड जैसी दो बेहतरीन टीमों के बीच में खेला गया हो। 20-20 ओवर दोनों टीमों ने खेला हो, मगर 40 ओवर में इस मैच में दोनों विस्फोटक टीमों के किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से एक छक्का न लगा हो, फिर भी वह मैच सांस रोक देने वाला हो। दोस्तों, जिस मैच में गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्या जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हो, वहीं विरोधी टीम में डेविड कॉनवे, फिन एलन, फिलिप्स और ब्रिसबेन जैसे बल्लेबाज हो, फिर भी पूरी पारी में मात्र बाउंड्री के नाम पर पूरी पारी में सिर्फ लगे हो 4 चौके। सोचो, जिस मैच में सूर्या ने 31 गेंदे खेली हो मगर बाउंड्री के नाम पर सिर्फ एक चौका लगा हो, पांड्या खेलते हो 25 बॉल मगर कोई छक्का नहीं सिर्फ एक चौका, गिल और ईशान किशन मिलकर खेले हो 30 गेंद मगर कोई छक्का नहीं, फिर भी मुकाबला सांस रोक देने वाला हो। दोस्तों, सांस रोक देने वाले इस मैच की हाईलाइट देखने के लिए आप बने रहे हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला गया। यहां टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर क्या, भारतीय टीम के गेंदबाज कीवी टीम पर कहर बनकर टूट पड़े और पूरी टीम टॉस के पत्तों की तरह बिखर गई। भारतीय टीम के गेंदबाजों के घातक गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, उससे पहले आप कमेंट करके बताएं कुलदीप और चहल में बेहतरीन गेंदबाज कौन है। साथियों, वैसे 2023 की शुरुआत भारत के लिए काफी अच्छी रही, जहां भारत ने 3 लगातार सीरीज अपने नाम किया, लेकिन कीवी टीम के खिलाफ T20 सीरीज की शुरुआत भारत ने रांची में किया, जहां टीम के इंडिया का सपोर्ट करने के लिए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी भी आए, फिर भी भारत की टीम वह मैच हार गई। साथियों, हम बात करेंगे दूसरे T20 मैच की, जहां कीवी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए इन उम्मीदों के साथ मैदान पर आई कि इस मैच को जीतकर वह T20 सीरीज अपने नाम कर लेगी। कीवी टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज फिन एलन और कॉनवे ने टीम की शुरुआत मजबूती के साथ किया, जहां कीवी टीम का स्कोर लगभग 3 ओवर में 28 का था, तो वहीं टीम का चौथा ओवर लेके आए भारतीय टीम के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज चतुर चालाक चहल। फिर क्या था, चतुर चालाक चहल ने फिन एलन को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। चहल के बाद कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और दीपक हुड्डा के सामने कीवी टीम के बल्लेबाजों के पसीने छूट गए और पूरी टीम 20 ओवरों में 99 रन पर सिमट कर रह गई और भारतीय टीम को जीत के लिए दिया 100 रनों का लक्ष्य। भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाजी से जहां कीवी टीम 99 रनों पर सिमट कर रह गई, तो वहीं भारतीय टीम को लगा कि ये मैच हम बड़े आसानी से जीत लेंगे, मगर मेरे दोस्त कहीं मत जाइएगा, कुर्सी की पेटी बांध लो, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, भारतीय टीम के बल्लेबाज और कीवी टीम की बेहतरीन गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन हो सकता है T20 का बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कीवी टीम को 99 रनों पर सिमटाने के बाद भारतीय टीम को लगा कि यह 99 रन हलवा है, जल्दी हजम हो जाएगा, लेकिन भारत की शुरुआत स्वाद अनुसार नहीं रही। जहां गिल और ईशान किशन दोहरा शतकीय बल्लेबाज हैं, उससे भारतीय टीम की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, लेकिन गिल ने 9 गेंदों पर मात्र 11 रनों का योगदान दिया और ब्रिसबेन का शिकार। तो वहीं गिल के आउट हो जाने पर ईशान किशन ने पारी की शुरुआत संभल कर किया, मगर वो भी अपनी पारी को ज्यादा लंबा ना कर सके और 19 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट होकर पवेलियन जा चुके थे। तो वहीं राहुल त्रिपाठी ने एक बार फिर टीम इंडिया को निराश किया, 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जहां एक समय भारत की टीम 11 ओवर में मात्र 50 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी, दोस्तों लखनऊ के इस पिच पर जहां कीवी टीम के लिए टर्न लेती पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं थी, तो वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाज भी कीवी टीम के स्पिन गेंदबाजी के सामने संघर्ष करते नजर आए। 11 ओवर में मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए भारतीय टीम के उपकप्तान और संकट मोचन सूर्य कुमार यादव, एक ऐसा खिलाड़ी जो एक बार मैदान पर बैट लेकर आ जाए बल्लेबाजी के लिए तो विरोधी टीम की हार लगभग निश्चित हो जाती है, और सूर्या ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कप्तान पांड्या के साथ बेहतरीन साझेदारी उस वक्त निभाई जब मैच पूरी तरीके से फंस चुका था। कीवी टीम के बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद भारतीय टीम ने इस मैच को 3 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट से जीत लिया। वहीं मैच हारने के बाद कीवी टीम के मैनेजमेंट और कप्तान ने BCCI पर इस पिच को लेकर गंभीर आरोप लगाया, तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी पिच पर सवाल उठाया।